आप सभी को नमस्कार। कल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मैं एक संस्कृत का प्राध्यापक एवं संस्कृत साहित्य का अनुयायी होने के नाते, उसका उपासक होने के नाते, आप सभी को पृथ्वी के बारे में संस्कृत साहित्य में जो वर्णित है उस पर आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे यहाँ ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि कुछ धार्मिक विद्वेषवश अथवा संस्कृति की श्रेष्ठता के प्रति एक दुर्भावनावश संस्कृत के ग्रंथों को कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टि से भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन एक उपासक होने के नाते मेरा दायित्व है कि कल के विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे के उपलक्ष्य में संस्कृत साहित्य में वर्णित पृथ्वी यानी इस धरती के बारे में कुछ आपको परिचित करवाऊं। वेदों में एक वैसे तो हर जगह प्राप्त होता है, लेकिन एक भूमि सूक्त नाम से ही संपूर्ण सूक्त हमें प्राप्त होता है, जिसे भूमि सूक्त कहते हैं। अथर्व का जो 12वां अध्याय है उसमें पृथ्वी का इस प्रकार वर्णन है जैसे आधुनिक भूगोल में वर्णन होता है। इसी कारण मातृभूमि के प्रति जो एक दूर दृष्टि थी उसके कारण व्याख्याकर्ताओं ने बाद में उसका नाम भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त के नाम से संबोधित कर दिया। इस भूमि सूक्त में वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इसके प्रारंभिक 12 मंत्रों को पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को लगाया जाता है। उन मंत्रों पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे जो प्रथम मंत्र है इसका, वह मंत्र है सत्यम बृहदम ऋतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सानुभूतस्य भव्यस्य पतन्युरुम लोकम पृथिवीं नः कृणोतु। सत्यम बृहदमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति। ऋषियों की परिकल्पना जब हम सोचते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है, कितने अधिक अधीर दूर दृष्टा थे हमारे ऋषि मुनिवर। प्रथम मंत्र में ही उन्होंने संपूर्ण भूभाग पे यानी इस पृथ्वी पे जीवित रहने वाले प्राणियों के लिए कुछ दायित्वों का निर्वहन किया। दायित्वों का, और जैसे आज हमारे संविधान में हमारे कुछ अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, तो कुछ मौलिक कर्तव्य दायित्व भी हैं। उस दायित्व की बात इसके प्रथम मंत्र में ही कही गई है। और वह दायित्व क्या है, करें इस संपूर्ण पृथ्वी को जो धारण करने वाले हैं उनमें कुछ गुण, कुछ उनमें जो उनके दायित्व हैं वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं सत्यनिष्ठा, सत्यम सत्यनिष्ठा, उनमें एक जो मनुष्य है इस पृथ्वी के प्रति उनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए अपने मातृभूमि के प्रति, अपने इस पृथ्वी के प्रति। दूसरा कह रहे हैं सत्यम बृहद ऋत, ऋत यानी कि शाश्वत नियम, जो इस पृथ्वी का एक शाश्वत नियम है उस नियम का पालन करने वाला होना चाहिए जो इस संसार में, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले वासी हैं। शाश्वत नियम क्या है, शाश्वत नियम ये है कि जिस जैसे भारतवर्ष को ही अगर हम ले तो भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों की मिट्टी एवं पर्यावरण, मिट्टियों की एक विशेषता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, सेव, अखरोट, इस प्रकार के जो फल हैं वो हमारे ठंडे प्रदेशों में यानी कश्मीर,
हिमाचल आदि में ही होते हैं, वो नीचे नहीं होते। उसी प्रकार काजू आदि जो हैं साउथ में होते हैं। समतल मैदानों में धान की, गेहूं की खेती होती है, राजस्थान में दलहन की खेती हो। तो एक जो शाश्वत नियम है पृथ्वी का, उसका हमें पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसका दुष्परिणाम भी आप देख सकते हैं अगर चर्चा करें तो। वर्तमान समय में कीटनाशक दवाओं के द्वारा, उर्वरकों के द्वारा, रसायन के द्वारा हम धरती के अनुकूल न होने पर भी हम अन्न का, फल का, सब्जियों का उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन वो विष युक्त बन रहे हैं, बिल्कुल जहर है, जिसके कारण आज बीमारियां हो रही हैं। तो ये कहते हैं कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए आपकी पृथ्वी के प्रति। आपको पृथ्वी देती है तो आपका भी दायित्व है कि पृथ्वी के प्रति आप निष्ठावान रहें, जो उसके शाश्वत नियम का पालन करें। आगे कह रहे हैं उग्रम क्षत्र, यानी तेज होना चाहिए आप में, क्षत्रियों सा तेज होना चाहिए, दीक्षा संकल्प होना चाहिए, तप तपस्या होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्म यानी बृहत ज्ञान होनी चाहिए, यज्ञ यानी कि त्याग, यज्ञ का मतलब होता है त्याग, त्याग करने की आपको भावना होनी चाहिए पृथ्वी की तरह, तभी किसी भी राष्ट्र या भूभाग का आप परिपालन करने में समर्थ रहेंगे, उस भूमि का दोहन करने से बचेंगे। ये सारे गुण प्रथम होने चाहिए, ऐसी भावना के साथ ही इन्होंने प्रथम मंत्र का हमारे समक्ष भूमि सूक्त का रखा था। और इस मंत्र के स्वरूप का भरण पोषण के लिए वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार कहने का उनका जो अभिप्राय था कि आज आप देख रहे हैं पृथ्वी का दोहन हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न हो रही हैं, आज खाद्यान्नों के माध्यम से या अनेक विभिन्न प्रकार से पृथ्वी के दोहन के कारण वायुमंडल में ही एक असंतुलन सा उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये प्रथम मंत्र में इन्होंने कहा था। प्रथम मंत्र के पश्चात इन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो विशेषताएं हैं, पृथ्वी के जो भूभाग हैं, पृथ्वी पे क्या क्या हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए आगे के मंत्र हैं। और आगे के मंत्रों को अगर हम कहें तो जैसे तृतीय मंत्र इसका हम देखें तो तीसरे मंत्र में कहा गया है यस्याम समुद्र उत्तर सिंधुरापह यस्याम अन्नम कृष्टय संबभू यस्याम इदम जिन्वती प्राणदेजत सानो भूमि पूर्व पे दधातु यश्चतस्र प्रतिशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टव संबभू या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सानो भूमि गोष्वप्यन्न दधातु। अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के समुद्र हैं, अनेक प्रकार के नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, और इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जल उत्पन्न होते हैं, इस पृथ्वी पर फल शाक सब्जियां उत्पन्न होती है, इस पृथ्वी पर खेती किए जाते हैं, इस पृथ्वी पर सांस लेने वाला चलता फिरता प्राणियों का एक संसार है। अतः हमें इस पृथ्वी में अपने आप को उपभोक्ता के रूप में ही स्थापित करना चाहिए। फिर कहते हैं कि पृथ्वी पर चार दिशाएं हैं, प्रत्येक दिशाओं में अन्न हो रहे हैं, प्रत्येक दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की खेतियां होती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में गौ यानी कि गौएं होती हैं, यानी कि पशुएं होते हैं। अतः उन सब के द्वारा हम स्वयं को समृद्ध बनाएं। उसके आगे फिर इसी प्रकार से पर्वतों के बारे में वर्णन है। और इसका जो पंचम मंत्र है उसमें एक विशेष चीज़ है, जो नकारात्मकता हमारी रहती है उन भावों को भी दर्शाया गया है। और कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जो पुराने समय के श्रेष्ठ हमारे पूर्वज जो रहे हैं, उन पूर्वजों ने अपने बुद्धि से, अपने बल से जो उत्तम कार्य किए हैं, उनके स्वभावों के अनुसार गायों को, घोड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, इन सब का हमें पालन करना चाहिए, इन सब की रक्षा करनी चाहिए, और आसुरी वृत्ति का बन करके इन हमारे अपने पूर्वजों के द्वारा सिखाए गए जो हमारे दायित्व हैं, जो हम पृथ्वी को उपभोग करने की जो एक विधि है, उसमें दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पृथ्वी अगर हम पृथ्वी का सम्मान करते हुए, पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उसका उपभोग करेंगे, तो यह पृथ्वी, यह मातृभूमि हमारे लिए सौभाग्य और हमारे तेज में वृद्धि करेगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं
आज के न्यूज में एक वर्ष पूर्व की एक समाचार मुझे याद आता है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो बिल्कुल सदियों से बंजर पड़ा हुआ था, क्या वो उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है? ऐसे ही भावना को लेकर के एक मंत्र है जो हमारा सातवां मंत्र है, इसमें उसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों, आप क्या विद्वान वीर कुशल, निद्रा को त्याग करो, आलस्य को त्याग करो, प्रमाद रहित हो करके जो भूमि चारों तरफ विस्तृत है उसकी रक्षा करो, उस पे परिश्रम करो, और जब ऐसा करोगे आप तो वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जो विविध रसों से युक्त होंगी, जो मधुर रस युक्त होंगी, जो आपको संपदा देगी, जो आपके अंदर तेज देगी, जो आपके अंदर बल देगा, वीर देगा, ऐसी संपदा हमें उस पृथ्वी से तब प्राप्त होगी जब आप उस पृथ्वी पे पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे। मैंने जिस न्यूज की बात की, जिस खबर की, ऐसा खबर एक वर्ष पूर्व पढ़ने को मिला था कि पंजाब से आर्मी से रिटायर दो फौजी भाइयों ने मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग जो बंजर सदियों से पड़ा था उस पर जा कर के और तकरीबन 5 वर्षों तक मेहनत की, और मेहनत के बाद उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे प्रदेश को, उस पूरे एरिए को जहां उन्होंने ज़मीन खरीदी, उपजाऊ बनाकर आज उसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से सोयाबीन आदि की खेती कर रहे हैं। तो धरती क्या है, आपसे पुरुषार्थ भी मांगती है, आपको आलस्य त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार धरती के अंदर जो छुपे हुए, जो हमारे विविध प्रकार के खजाना है, खजाना का अभिप्राय है कि इस धरती के अंदर जो धातु हैं, जो लवण हैं, जो अनेक प्रकार के इसके अंदर गैस हैं, उन सब के बारे में भी संक्षिप्त रूप से, बीज रूप में वर्णन हमारे इन मंत्रों में प्राप्त होता है, मिट्टी के प्रकारों के बारे में प्राप्त होता है। और ऐसे जब हम मंत्रों को देखते हैं तो छठा मंत्र में विश्वंभरा वसुधानिम प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षा जगतो निवेशानि वैश्वानरम बिभ्रति भूमिर अग्निमिंद्र वृषभा द्रविणो न। वो क्या कहते हैं कि इस भूमि सूक्त में क्या कहा गया कि जो पृथ्वी है वह संपूर्ण संसार का भरण करने वाली है, पोषण करने वाली, रत्न रूप धनों का खान है, यह सब वस्तुओं को, सुवर्ण आदि धातुएं हैं, उनको अपने हृदय में, अपने वक्ष में धारण करती है, संपूर्ण जीवों का आधार है, इसके अंदर अग्नि भरी हुई है, इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली जो कि संसार को चलाने की क्षमता रखती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गुप्त वस्तुएं इसके वक्ष में हैं, इसके सीने में हैं। अतः हे मनुष्यों, इस पृथ्वी में जो उपस्थित धन है उसको धारण करो, वो आपके आपको सौभाग्यशाली बनाएगा, वो आपको बलशाली बनाएगा। ये सब तो एक भौगोलिक रूप, यानी जिसको कह सकते हैं हम कि उपभोग की वस्तुओं के रूप में वर्णन किया हुआ था। इसके अलावा पृथ्वी को आप, पृथ्वी जो है आपकी, आपको उसका रक्षा करने का भी दायित्व बनता है, और इस पृथ्वी को रक्षा करते हुए ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं पृथ्वी की रक्षा करेंगे आप, उसी